दिनों में निजी बसों की ओर से यात्रियों की लूट के आरोप पूरी तरह से गलत है। निजी बसों को नियमानुसार एसटी बसों की तुलना डेढ़ गुना किराया लेने का अधिकार है। यह जानकारी ट्रेवल्स एसोसिएशन ऑफ नागपुर के अध्यक्ष बाबा डबरे ने दी है। बुधवार को सेमिनरी हिल्स स्थित प्रेस क्लब में पत्र परिषद के दौरान वह बोल रहे थे। इस वक्त सचिव संजय मोहता व महेंद्र लूले उपस्थित थे। इस दौरान बताया कि त्योहारों के दिनों में नागपुर पुणे के बीच में जबरदस्त यातायात रहता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ के युवा एजुकेशन नौकरी आदि के लिए पुणे में जाकर बसे हैं व त्योहारों के बीच अपने घर लौटते हैं। ऐसे में इस वक्त यातायात बढ़ जाता है। रेलवे व बस फुल होने के बाद वह निजी बसों की ओर रुख करते हैं। नियम अनुसार उनसे किराया लिया जाता है, लेकिन कई बार निजी बस चालकों पर ज्यादा किराया लेने का आरोप लगाया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। नागपुर से पुणे के लिए बसें खाली चलानी पड़ती है, वहीं त्योहार खत्म होने के बाद पुणे से बसों को खाली वापस लाना पड़ता है। ऐसे में निजी बसों की ओर से किराया बढ़ाया जाता है। अप्रैल 2018 से निजी बस चालकों को एसटी बसों की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा किराया लेने का अधिकार दिया है, जिसका मुख्य कारण यह भी है कि निजी बस को टोल टैक्स 5.85 रुपये से 7 रुपये किलोमीटर तक देना पड़ता है। सदा सर्वदा आम्ही नियोजित वेळेत आम्ही चालवतो गाडी, पण बस चालवतो मोठ्या मोठ्या महागड्या गाड्या आल्या, चांगली सुविधा देत आहोत, तरी आमच्याबद्दल उलटे सिद्ध ज्या काही चर्चा होते त्याच्याबद्दल एक साईट न घेता आमची बाजू समजून घ्यावी असेल आम्ही प्रश्नांतर घेत नेहमी आमच्याबद्दल जे काही तक्रारी होत्या त्याचं निवारण करण्याकरता आज आम्ही आपल्याला बोलावलं। त्या याच्यातून आम्ही शिक्केची दुसरी बाजू म्हणून असं आहे का आज आम्ही बस चालवतो हे समृद्धीवर सर्वात मोठं म्हणजे प्रॉब्लेम हा आहे का समृद्धीवर एकच ॲक्सिडेंट झाला बसचा, ते ड्रायव्हरच्या चुकीमुळं झाला, त्याच्यामुळे सर्व भुगतान सुरू झाली। आज नाही व्हायला पाहिजे ते होऊन गेलं, पण आज असं झालं आहे का आज आम्ही टोलीही देतो आणि टोलीही खातो। आज समृद्धीवर आज 5.85 रुपये किलोमीटर आम्ही टोल देतो आणि तेवढ्याच प्रमाणात आम्ही टोलीही खातो। आम्ही निगेटिव्हच आहोत असे सारखे हे जे बातम्या येऊन राहिल्या चुकीच्या बातम्या आहेत, ह्या चुकीच्या बातम्या नाही आल्या पाहिजे म्हणून आम्ही तुमच्यासोबत प्रेस कॉन्फरन्स आमची भावना मानतो। अशी एक अफवा असते की दिवाळी म्हणजे कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।